नमस्ते स्टूडेंट, मैं बी एस उपाध्याय विजुअल इफेक्ट कंप्यूटर डिजाइन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूँ स्टूडेंट्स। आज हम फिर एक नई टॉपिक लेकर आए हैं। ये टॉपिक्स वही अकाउंट्स का चल रहा है जो आपके टैली के प्रोफेशनल अकाउंट क्लास होता है, जिसके तहत आप इस अकाउंटेंसी को करके मार्केट में कैसे जॉब करेंगे उसका पूरा रूल्स आपको समझाया जा रहा है कि एक अकाउंट मेंटेन करने के लिए किस फर्म या कंपनी में आप बेसिक अकाउंटेंसी को कैसे ध्यान में रखेंगे और उस बेसिक अकाउंटिंग को टैली पे कैसे इसकी एंट्री पास की जाती है। तो पिछले टॉपिक आपने स्टूडेंट पढ़ा था कि परचेज क्या होता है और उसका डेफिनेशन मैंने आपको समझाया था, उसका एग्जांपल समझाया था और कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि उस परचेज अकाउंट का एक्सरसाइज क्या, उसकी एंट्री कैसे पास करनी है। तो वो जो एग्जाम्पल एक्सरसाइज मैंने आपको दिया था उसकी एंट्री टैली पे कैसे पास की जाती है, यानी परचेज अकाउंट के कैश और क्रेडिट का एंट्री सिस्टम पे यानी टैली पे पास करने का सही तरीका क्या है। आइए देखते हैं कि टैली पे परचेज का एंट्री कैसे पास किया जाता है, परचेज अकाउंट की एंट्री कैसे पास करना है क्रेडिट और कैश का। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप एक कंपनी क्रिएट कर लीजिएगा। कंपनी क्रिएट करने का मैंने पहले ही बताया था आपको कि शॉर्टकट अभी नहीं देखे होंगे, अल्ट टाइप 3 से शॉर्टकट नई कंपनी बनाने की शॉर्टकट होता है, क्रिएट कंपनी में आप जाएगा और यहाँ पे हम एक पहले सबसे पहले नई कंपनी जनरेट कर लेते हैं। एक कंपनी विजुअल नाम से मैंने बना लिया, विजुअल इफेक्ट कंप्यूटर डिवीजन नाम से मैंने कंपनी बना दिया, ठीक है, ये बना दिया। एंड बकिया ये सब कुछ प्रोफाइल मैंने पुराना पहले बता रहा है इसमें क्या क्या फिलअप करना है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि किसमें क्या क्या फिल करना है, इसको आप बना के सेव कर लीजिएगा। इसके बाद स्टूडेंट कि अब हमें ये देखना है कि इसकी इसमें क्या क्या एंट्री कहाँ पास हमें करनी है, तो कौन सी एंट्री कहाँ पास करनी है। तो सबसे पहले हम वापस चले जाएंगे अपने क्वेश्चन पे, जिस क्वेश्चन को मुझे करना है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है जिसे हमें बनाना है कि इसमें एक्सरसाइज, जिसमें पहला एक्सरसाइज में स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, इसमें पहला एक्सरसाइज दिया हुआ है कि पर्सनल अकाउंट की एंट्री आपको कैसे करनी है। जैसे आपने यहाँ स्टूडेंट देखिएगा फर्स्ट बाई, ये दूसरा क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज आपके सामने है कि गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन एंड सन से, मोहन यानी मोहन से माल खरीदा। तो इसकी जनरल एंट्री आप कैसे किया है, आपने जनरल एंट्री कॉपी में किया होगा। तो स्टूडेंट देखिए सिस्टम पे हम इस पर क्या बनाएंगे, तो सिस्टम पे दो लेजर ऑलरेडी पहले से बना होता है, कैश और पीएल का। तो कैश पीएल का लेजर हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट, से आप लेजर बनाएंगे सबसे पहले क्रिएट कर लेंगे, अल्टर देख लेंगे, दो लेजर पहले से बना है, एक कैश और पीएल का, ये लेजर आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। स्केप करिएगा, आप क्रिएट करिएगा, नया लेजर आपको बनाना है। आप माल खरीद रहे हैं, सबसे पहले किसका बनाएंगे, परचेज का, परचेज का अकाउंट बनाएंगे। एंड स्टूडेंट परचेज का अकाउंट परचेज में जाता है, ध्यान रखिएगा ये नेचर ऑफ अकाउंट आपको बहुत ध्यान से देखना है, अगर ये गलत करेंगे तो सबका सब गलत जाएगा। राइट साइड स्टूडेंट ये आपके सामने जो दिख रहा है कि नीचे जो आपके ये इसके खाते के नीचे जो भी लिस्ट आ रहा है इन सबको नो कर दीजिएगा, अभी हमारे कोई मतलब का नहीं है, कोई ऑप्शन को एडजस्ट करने की आवश्यकता आपको नहीं है, सेव करा दीजिएगा इस, ठीक है। स्टूडेंट फिर हम देखिए दूसरा इसमें भाई मोहन सामान खरीदा है, तो अब यहाँ पे हम किसका लेजर बनाएंगे, मोहन का। तो मोहन अकाउंट हमारे किस क्या क्या जाएगा, भाई मोहन से मैं उधार माल खरीद रहा हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे नेचर ऑफ अकाउंट को आपको ध्यान देखना होगा कि भाई जब किसी व्यक्ति से उधार खरीदते हैं तो वो क्या है, वो आप लेनदार जिसको बोलते हैं क्रेडिटर, तो इसको टैली में बोलते हैं संडी क्रेडिटर। तो यहाँ पे आपको चूज करना होगा संडी क्रेडिटर, संडी क्रेडिटर को जैसे यहाँ पे चूज करेंगे ये इंटर एंड सेव करा देंगे। अगर ये संडी क्रेडिटर की जगह डेबिटर हो जाएगा तो सब बिल आपका एंट्री गलत हो जाएगा। जब भी किसी व्यक्ति से उधार माल खरीदते हैं तो उसका हेड किस में डालेंगे, संडी क्रेडिटर्स में, कंपनी का अंडर जाएगा संडी क्रेडिटर्स में, ओके। तो स्टूडेंट ये आपका पहला क्वेश्चन का लेजर बन चुका है। दूसरा क्वेश्चन है गुड्स परचेज फॉर कैश, इसकी एंट्री होगी परचेस अकाउंट डीआर टू कैश। तो यहाँ पे इसमें हमें किस परचेज का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है और कैश का भी लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, तो हमें इसको दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा जो एंट्री होगा परचेज गुड्स परचेज फॉर बैंक, तो एक इसमें नया लेजर बनेगा स्टूडेंट किसका, बैंक का। तो बैंक का अकाउंट जाएगा, बैंक का किस में जाएगा, बैंक, बैंक अकाउंट बैंक में डाल लीजिएगा और इसको बना के आप सेव कर लीजिए, ये बैंक अकाउंट बन गया। चौथा जो एक्सरसाइज आपका है दिख रहा है स्टूडेंट, ये दिख रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, यानी राम से उधार माल खरीदा, तो स्टूडेंट किसका खाता बनेगा, राम का। तो राम हमारे लिए क्या भाई, राम से माल खरीद रहे हैं तो राम भी हमारे लिए क्या हो रहा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स डाल के
एक तो राम का भी खाता बना के आप सेव कर लीजिए। फिर वापस आइए, लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जो आखिरी क्वेश्चन है, गुड्स परचेज फॉर ₹8,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम सोहन, सोहन से माल उधार खरीदा है, तो अगला खाता बनेगा सोहन का, तो सोहन का खाता बना लीजिए यहाँ पे, एंड सोहन सन सोहन वाले क्या है, संडे क्रेडिटर, संडे क्रेडिटर खाता डाल दीजिए यहाँ पे और सेव करा लीजिए। तो ये खाता बन गया जिससे मुझे माल खरीदा है, किसको बेचा है। स्टूडेंट स्किप करके आप बाहर आइएगा, चेक कर लीजिएगा, अगर आपको खाता में कोई गड़बड़ी होता है तो नीचे आके अल्टर करके आप चेक कर सकते हैं किस में कौन सा खाता है, अगर कोई गड़बड़ी तो ओपन करके करेक्शन कर लीजिए। अगर एक साथ देखना चाहते हैं तो नीचे वाले अल्टर आगे चेक करिएगा, मल्टीपल लेजर में, इसमें आप चेक करके अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ पे करेक्शन भी कर लीजिएगा, जिससे कि सबका हेड ऑलरेडी बन चुका है। ठीक, अब वापस आप बाहर आएगा स्केप से, गेटवे ऐप टैली पे आना है, और गेटवे ऐप टैली पे आके यहाँ पे आपको बिल बनाना है, बिल बनाने के लिए जो फंक्शन है वो आपका ट्रांजेक्शन में मिलेगा अकाउंटिंग बाउचर पे, वहाँ एंटर करिएगा। इंटर करते हैं बाद, अब हमें स्टूडेंट हम यहाँ पे पैसा दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो देखिए ऊपर लिखा हुआ ना, हमारा कैश अकाउंट ऊपर दिख रहा है, इसको बोलते हैं सिंगल मोड। सिंगल मोड पे एंट्री नहीं पास करना, आपको डबल मोड पे पास करना है, तो F12 से हम सिंगल मोड को बंद कर देंगे, जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है डबल एंट्री, तो हम सिंगल डबल एंट्री के अनुसार काम करेंगे, तो सिंगल एंट्री यहाँ बंद कर देंगे, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे नो कर देंगे, नो करने के बाद सेव कर लीजिएगा, जो हम आगे बताएंगे ये ऑप्शन, बट जब पहली बार कोई सिस्टम में एंट्री पास करते हैं तो ऑप्शन ऑलरेडी बाय एक्टिवेट रहता है। तो हम जब पहला जो क्वेश्चन स्टूडेंट देख रहे हैं कि गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ऑफ रुपीज, तो ये उधार माल खरीदा हुआ है, तो उधार की बिल हमेशा F9 फंक्शन में होती है, आप कीबोर्ड पे F9 प्रेस करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको परचेज लिखा हुआ आएगा, देखिए परचेज लिखा हुआ है F9, और दूसरा इनवॉइस को बंद करना, ये ऐसा खाता खुलेगा इसको इनवॉइस कहते हैं, जो स्टॉक के लिए होता है, तो इसको बंद करने के लिए कंट्रोल वी का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल वी इस पर इंटर करेंगे, किससे माल खरीद रहे हैं हम, मोहन से, मोहन पे इंटर करेगा, कितने का माल खरीदा, वापस क्वेश्चन पे जाते हैं, 5,000 का माल खरीदा मोहन से, तो यहाँ पे 5,000 रुपये लिखा आपने स्टूडेंट, इंटर एंड परचेज इंटर, तो देखिए ये एंट्री होगी परचेज अकाउंट DR टू मोहन, इसकी नेशन लिख दीजिएगा बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, ये स्टूडेंट नेशन लिखिए एंड सेव करा लीजिए, ये पहला एक्सरसाइज आपने बना दिया एंट्री। दूसरा है गुड्स परचेज फॉर कैश, यानी नगद माल खरीदा, तो इसकी एंट्री हम हमेशा F5 में करते हैं, किसमें करते हैं F5, जैसे F5 दबाएंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट पेमेंट बाउचर लिखा हुआ आएगा, ठीक है, F5 पेमेंट के लिए होता है, पैसा हमारे पास जा रहा है, माल आ रहा है, पैसा जा रहा है, तो हमारे पास माल का मतलब परचेस करेंगे, कितने का माल आया, एग्जाम्पल देख लीजिए, ₹1,200 का माल आ रहा है, तो यहाँ पे दूसरा एक्सरसाइज, ₹1,200 डाला एंट्री इंटर टू कैश, तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट DR टू कैश, कॉपी पे भी एंट्री यही पास करेंगे, इसकी फंक्शन F5 में होगा, जब हम किसी व्यक्ति को नगद पेमेंट करते हैं या उधार नगद माल खरीदते हैं तो हमेशा F5 में एंट्री पास करेंगे, इसका नरेशन लिख दीजिएगा स्टूडेंट, लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, ये नरेशन को लिख दिया एंड सेव एंड सेव। अगला क्वेश्चन फिर बनाइए, तीसरा क्वेश्चन हमारा है एंड गुड्स परचेज फॉर बैंक, तो ये भी देखा जा रहा है स्टूडेंट, हमारे पास से पैसा जा रहा है, लेकिन पैसा जा रहा है किस रूप में, चेक रूप में, माल आ रहा है पैसा जा रहा है, तो भी एंट्री F5 में ही होगा, F5 पर चूज करेंगे, ऑलरेडी पहले से चूज है वहाँ पे, कितने का माल आपने खरीदा हुआ है, 4,000 का माल चेक से खरीदा हुआ है, तो यहाँ पे 4,000 रुपया लिखेंगे इंटर इंटर टू बैंक, तो यहाँ बैंक लेजर चेक करेंगे, नरेशन लिख देंगे स्टूडेंट, यहाँ पे नेशन, अगर दोबारा उसी नेशन को रिपीट करना है तो कंट्रोल आर करेगा तो नेशन आपके सामने आ जाएगा, तो वहाँ पे जो हम लिखे हैं बीइंग गुड परचेज फॉर कैश की जगह लिख दीजिएगा बैंक, ये इंटर एंड से, तो ये आपका तीसरा एक्सरसाइज बन गया स्टूडेंट। चौथा एक्सरसाइज क्या है, जो आपके है गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट ऑफ ₹6,000, यानी राम से माल 6,000 का खरीदा, अब राम से 6,000 का माल खरीदा है, इसकी उधार खरीद रहे हैं, इसकी एंट्री कोई होगी किसमें, F9 में, F9 प्रेस करेगा, इनवॉइस को बंद करने के लिए आपको बताएगा कंट्रोल वी का इस्तेमाल कीजिएगा और इंटर, किससे माल खरीदा आपने, राम से, राम सेलेक्ट करिएगा, कितने का माल खरीदा है वापस आप चेक कर लीजिए, 6,000 का, चौथा क्वेश्चन 6,000 का है, 6,000 का माल खरीदा आपने, इंटर इंटर टू पर, तो एंट्री आप कॉपी पे करेंगे परचेज अकाउंट या टू राम, और हमेशा जो क्रेडिट की एंट्री होती है टैली में क्रेडिट पहले आता है और डेबिट बाद में आता है, केवल ये केवल किस बाउचर में होता है, केवल परचेज बाउचर में होता है और
रिसीव वाउचर में होता है। ये दो वाउचर में क्रेडिट पहले आता है, डेबिट बाद में आता है, लेकिन नॉर्मल हम कॉपी में एंट्री पास करते हैं तो पहले डेबिट दिखते हैं बाद में क्रेडिट दिखते हैं। तो आपका एंट्री करने का रूल वही है जो आपने कॉपी में किया हुआ, परचेज काउंट डी आर टू राम, एंटर या नरेशन लिख दीजिएगा जो नरेशन आपने लिखा, बींग गुड्स परचेज फ्रॉम राम, नरेशन को दोबारा रिपीट कर लिया कंट्रोल आर से मैंने, और जहाँ जो लिखा राम लिख के सेव कर दिया, ये भी आपका बन गया। कौन सा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये पांचवा क्वेश्चन आपका बन गया, सॉरी चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आपका है बींग गुड्स परचेज ऑफ रुपीज 8,000 ऑन क्रेडिट, सोन से उधार माल खरीदा है, तो इसके भी एंट्री F9 में होगा, उधार ऑलरेडी अपना फंक्शन नहीं है, F9 में आप किससे खरीद रहे हैं, सोन से, एंटर करेंगे सोन पे, एंटर एंड कितने का सोन से माल खरीदा, 8,000 रुपये का, तो यहाँ पे 8,000 रुपये स्टूडेंट लिखेंगे, 8,000 रुपये एंटर परचेज एंटर, नरेशन लिख दीजिएगा वापस, नरेशन अगर लिखे हुए हैं दोबारा उसको लिखने की आवश्यकता नहीं, कंट्रोल आर दबा दीजिएगा तो रिपीट हो जाएगा, उसमें जो करेक्शन करना है बस वो मिटा दीजिए आप, हमें राम को हटेगा क्या लिखना है, सोहन लिखना है, सोहन लिख दिया वहाँ पर नरेशन में, ये एंट्री एक्सेप्ट एंड सेव, तो ये एंट्री आपके स्टूडेंट बन गया है कि किसमें कौन सी एंट्री आपको पास करनी है। आशा है स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि टैली पे परचेज की कैश की एंट्री और परचेज की क्रेडिट की एंट्री कैसे पास की जाती है। तो हर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा कीजिए, क्योंकि सारे एग्जांपल जो आपके अकाउंटेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसी से रिलेटेड ही आपको बताए और उसका वीडियो तैयार किया जाता है, जिसे सीखने के बाद आपको कहीं भी किसी इंस्टीट्यूशन को देखने की आवश्यकता नहीं है, न वहाँ क्लास करने की आवश्यकता है, एक एक टॉपिक ध्यान से पढ़िए और घर बैठ के उसकी प्रैक्टिस करिए। वीडियो समझ में आया है तो स्टूडेंट्स एक बार कमेंट्स भी किया कीजिए, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट भेजा कीजिए कि मुझे सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, ठीक है। वीडियो समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगला वीडियो पाने के लिए बेल आइकन जरूर रहेगा जिससे वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो स्टूडेंट मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम जानेंगे सेल अकाउंट्स क्या होता है। धन्यवाद।